सुल्तान खान सर, सुल्तान खान। सुल्तान खान कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। तो क्या लग रहा है 24 में क्या होगा, राहुल गांधी, मोदी, केजरीवाल, नीतीश कुमार? अभी क्या बताएं सर, अभी जब 24 आएगा तब देखेंगे। हाँ। अभी तो फिलहाल किसकी लग रही है? उम्मीद जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं, हाँ। तो 50% कुछ उम्मीद उनका है। 100% कब होगी? 100% अभी बेटा किसी काम का नहीं है, जियो का डेटा और सोनिया का बेटा किसी काम का नहीं है, बस दिखावे के हैं। कोई फायदा नहीं इसकी युवा यात्रा से। वो उसकी सफेद दाढ़ी आ गई, अभी तक वो युवा है। ऐसा कैसा युवा है वो, बुढ़ा नहीं होता? नहीं। अच्छा, बड़ी शीला जीत खाता है वो तो। यात्रा फ्लॉप हो गई? तो फ्लॉप ही है। ऐसी कैसी यात्रा, उसने यात्रा में क्या कर दिया ऐसा, पैदल चलने को यात्रा जोड़ दिया उन्होंने, भारत टूटा हुआ था। ओ, टूटा हुआ था, पाकिस्तान जोड़ता मैं मानता, उसने मेरा भारत जोड़ा, बांग्लादेश जोड़ता हमारे हिस्से में, अफगानिस्तान जोड़ता, अखंड भारत बनाता मैं मान जाता, उसने कुछ करा। आप कह रहे बांग्लादेश जोड़ते, अफगानिस्तान जोड़ते, हमारी जो बहन बेटी माँ जो यहाँ पे इतनी इज्जत से आ रही है जा रही है यहाँ पे उधर गई, यानी आतंकी फैलाना चाह रहे हो क्या? तुम्हारा ये कहने का मतलब है वहाँ आतंकवादी रहते हैं? तुमने क्या कहा, वहीं रहते हैं ना? इंडियंस में तो नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, महंगाई मुद्दा रहेगा नहीं रहा है? इंडियन नहीं है। महंगाई मुद्दा, महंगाई मुद्दा आई नॉट, कांग्रेस आई तो नहीं रहेगी महंगाई। कैसे? बेरोजगारों को रोजी भी मिलेगा और सबको राशन जैसे दिया जा रहा है उससे बढ़ा के मिलेगा। राजस्थान में तो उनकी सरकार है पेट्रोल सबसे महंगा दे रहे हैं, हिमाचल में उनकी सरकार है डीजल सबसे महंगा दे रहे हैं। वहाँ दे रहे हैं ना, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। हाँ। उत्तर प्रदेश की भी बात करो, उत्तर प्रदेश में चलिए योगी बाबा है, बुलडोजर बाबा है, वो तो हर जगह बुलडोजर अपना चला के मकानी गिरा दे रहे हैं। हाँ। तो किस पे चल रहा है बुलडोजर? अरे सर अभी क्या बताऊँ, अपने के इलाहाबाद में देखे ला ना, तो बहुत से मकान है सर टूटेला। अच्छा, किसके टूटे मकान? अभी मैं किंग का नाम बताऊं? नहीं, अवैध अतिक्रमण होगा तभी तो टूटे, आपका थोड़ा मकान टूटा, मेरा नहीं टूटा, इनका भी नहीं तोड़ेगा, मेरा को कहेगा तोड़ेगा? अतीक अहमद का तोड़वाया, अंसार पहलवान का तोड़वाया, इनको तो जानते ही होंगे, काफी माने जाने वांटेड हैं। अच्छा, तो फिर टूटना चाहिए था, उनका तो वांटेड है। टूटा अच्छा हुआ, मैं भी खुश हूँ, ऐसी बात नहीं है, हराम की कमाई, हराम ही में जाओ तो अच्छा है, अबे मेहनत में लगा दो, अच्छा काम करो। महंगाई मुद्दा रहेगा नहीं रहेगा इस बार? कुछ महंगाई मुद्दा नहीं रहेगा इस बार, एक ही देखना है कि नरेंद्र मोदी को सरकार बनाना है। आने वाले 2024 में मोदी जी की सरकार बन रही है, 100% सीट के साथ बन रही है इस बार, कोई नहीं। तो जैसे कह रहे कांग्रेस आएगी महंगाई कम हो जाएगी, यकीन नहीं हो रहा राहुल गांधी पे? महंगाई है कहाँ, कौन बोल रहा है महंगाई? कह रहे कांग्रेस कम कर भाई, कुछ भी महंगाई नहीं है। तुम एक बार तुम बोल गरीबी गरीबी बोल रहे थे ना, गरीबी है कहाँ? एक ठेले वाले से पूछो, एक बार जाके देखो बड्डे का कितने कमाता है, 1200 तो ठेले वाले कमा लेता मेरे भाई, महंगाई है कहाँ? राहुल गांधी की यात्रा देखी आपने, उन्होंने कहा कि देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। रहने दो भाई, आइए इधर, रहने दो भाई इधर, भाई आप इधर। कौन बोल रहा महंगाई है? राहुल गांधी बोल रहे हैं। अरे भाई कुछ भी महंगाई नहीं है भाई, मैं खुद जॉब करने वाला बंदा हूँ, अब 18 मुझे खाली घूमने के मार्केटिंग करने के 18,000 रुपए मिल रहे हैं, बस हो गया, दिन भर मौज की जिंदगी जी रहा हूँ। राहुल गांधी कहते हैं कि युवा तो पकोड़े चल रहा है रोजगार, यार पकोड़े चल रहा है, अभी कहाँ पकोड़े चल रहा है, कहाँ पकोड़े, ये 25,000 के बहन जो फोन पकड़ रहे हैं लोग, OnePlus Nord CE 2 25 ये परसों ही लिया, एक महीना नहीं हुआ, हल्ला क्यों मचा हुआ है ये पता नहीं भाई। अब ये बात बाबा बोलेंगे, महंगाई है नहीं भाई, 2500 रुपए किलो, पाकिस्तान जाके देखो, न्यूज तो देखते होंगे ना, पाकिस्तान में जाके देखो तब पता चलेगा भाई। भाई राहुल गांधी का कुछ होगा नहीं 24 में, कुछ भी नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा? हम तो ठेठ मोदी वाले हैं, मोदी रहे आएगा, मोदी ने क्या किया ऐसा जो मोदी, हमारे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, ये ज्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं, बहुत कुछ किया हमारे लिए, बस हो गया, बस हो गया। हाँ, राहुल को नहीं देंगे मौका, मतलब ही नहीं है भाई, इतने साल मतलब कांग्रेस ने कुछ किया देश के लिए? देश को, अरे वो कहते हैं जो कुछ किया कांग्रेस का तो दिया हुआ है। रहने दो, कौन बोल रहा है बताओ, कहाँ से दिया है? देश की पूरी माँ बहन एक कर दी, जंग याद है? हाँ, क्या एक 3 नॉट 3 की राइफल दे के चढ़ा दिया हमारे सैनिकों को, वो बेचारे छाती पे गोलियां खा के आ रहे हैं, और आज की डेट में AK-47 है, बोलते के साथ ही पहले पूछते नहीं है, पहले गोली मारने का ऑर्डर है, क्यों? अब तो नहीं हो रही, तो फायरिंग दिखाई दिया है आपको? तो पहले हमारे सैनिक मरते थे, फायरिंग होती भाई उसी के वहाँ चल रहा है, बोलते सर उसी के वहाँ चल रहा है जो नाजायज है। हाँ,
जो हराम की रोटी खाना पसंद करता है ना उसी के वहाँ बोल्ट जो चल रहा है, हम जा चुके वहाँ नहीं चल रहा है। सुल्तान खान तो चले गए, भाग गए बीच में डिबेट छोड़ के। ये वाली बात होती है ना भाई, जवाब देने वाला चाहिए। अवैध जगह पे, जो अवैध जगह पे कब्जा कर रखा है उसके ऊपर चलेगा, और वो जायज है, चलना चाहिए। बेकार में हमारे रोड की झुग्गी झोपड़ियाँ घेर लेते, फिर वहाँ वो अपना कस्बा बना लेते हैं, जब खाली करवाओ तो वो तमाशा करते हैं। तो पहली बात तो उस जगह पे उन्हें रहने ही ना दिया जाए, अगर रह भी रहे तो मैं कहता हूँ एक के साले चार बुलडोजर चलाने चाहिए। अच्छा, बुलडोजर चलना चाहिए। इस बार बदलाव पक्का है। कौन आएगा अब देखते हैं। गठबंधन अगर ठीक रहा तो गठबंधन सरकार होगी, लेकिन भाजपा तो नहीं आने वाली। क्या कमी रही मोदी में? मोदी बजट देख लो, अभी 6 दिन हुए बजट को, आज 6 तारीख है। बजट में हमें क्या मिला? कुछ नहीं। क्या मिलना चाहिए था गरीब जनता को? जो मिलना चाहिए था वो कुछ नहीं है उसमें बजट में। तो टैक्स का क्या? 7 लाख कमाएगा कैसे, वो सोचा कभी? क्यों नहीं कमाएगा, जब पढ़ोगे लिखोगे तो कैसे 7 के 70 भी कमाओगे? जाहिर बात है कि नहीं। अब पढ़ोगे लिखो नहीं, आबादी बढ़ाओगे तो ना कोई पढ़ पाएगा ना कोई कमा पाएगा। आज के रेट में कमाने के ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करता है। व्यक्ति चाहे तो बहुत कमा सकता है, आदमी का सोच बड़ा होना चाहिए। हम आज से पाँच साल पहले के डाटा उठा लीजिए, जो मैं अपना बता रहा हूँ। मैं 8,000 की मंथली कमाता था। आज मैं मैनेजर पोस्ट पे हूँ, मेरी इनकम है 33,000 रुपए मैं मंथली कमाता हूँ। पढ़ाई कहाँ तक की है जी? मैं पढ़ाई ग्रेजुएशन कम्प्लीट हूँ। ग्रेजुएशन करने के बाद कितना कमा रहे हैं? 33,000 35,000 जी। राहुल गांधी कह रहे की ग्रेजुएशन करके लोगो को यहाँ पे पकौड़ा तलना पड़ेगा। मैं ग्रेजुएशन किया हूँ ना, कमाने का बहुत तरीका है। अगर जिसको नौकरी नहीं मिला मेरे से मिलो, मैं बताऊँ कमाने का कैसे तरीका होता है। जिसको नहीं पता है क्या तरीका बता दीजिए। युवा कह रहे बेरोजगार घूम रहे, ऐसे बेरोजगार है कहीं नहीं बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगार नहीं घूम रहे, देखिए इस मार्केट में, देखिए शॉपिंग मॉल में, देखिए कितने लोग मार्केट कर रहे हैं। अगर किसी के पास पैसा नहीं होगा तो क्या मार्केट कोई करेगा? यहाँ पे कोई नहीं मार्केट कर सकता। कोई बेरोजगारी नहीं, बेरोजगारी ठीक है अपने ऊपर डिपेंड करता है, कमाना नहीं कमाना। बोलिए। बस यहीं पे ही है और जगह नहीं है, यही जगह है बस रोजगार की। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, रोजगार नहीं है भैया। लेकिन मैं गुड़गांव से हूँ, मैं गुड़गांव से आया हूँ यहाँ पे मार्केट करने के लिए अपनी वाइफ के साथ में। चलो का कितने नौकरी चाहिए मैं आपको देता हूँ नौकरी। मैं साथ करना, मैं फ्लिपकार्ट में मैनेजर हूँ अभी। उम्र ही नहीं लग रही अभी की नौकरी की उम्र हुई। मेरी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई पे तो बोल नहीं सकता क्या मैं? आपकी उम्र आएगी तब बोलना। जब भी बोलूंगा। एक बात बता रहा था कि रोजगार अब कहाँ मिल रहा है? 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, वो नहीं मिला। 2 करोड़ से ज्यादा का रोजगार हुआ है। मेड इन इंडिया स्किल पे जाके देखो, एक से एक लोगों को रोजगार मिला है। मिला तो मिला, और साथ में जैसे इस भाई ने करा तो इसने आगे 10 करोड़ नौकरी दी, इससे कितने गुना बढ़ा है वो उसको कोई नहीं दिखा रहा। और जैसे आप कह रहे हो कौन सी सरकार आएगी, सब कुछ जीडीपी और रिजल्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप हमारे देश की 10 साल पहले की देख लो और इस 10 साल की देख लो, आपको खुद आंसर मिल जाएगा। मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं आप, समझदार हो, आपको खुद पता है जीडीपी ग्रोथ रेट हमारे देश की पहले क्या थी अब क्या थी। कश्मीर पे जहाँ कोई पहले नहीं आता था, बाहर की कंपनियाँ दुबई क्यों वहाँ पर पैसे लगा रहे, कुछ सोच के लगा रहे, उसे पता है यहाँ 10 लगाऊंगा कल 100 बन के मेरे को वापसी मिलेंगे। ऐसी बाकी के देश थोड़ी ना आ रहे हैं, कुछ बढ़िया हो रहा है तभी तो। देश को तो अडानी ने लूट रही है, जिस तरीके से शेयर गिर रहे हैं। एक मिनट, उसने एयरपोर्ट लिए हैं, लीगली तौर पे लिए हैं, आपको पता है ना बिट लगती है। उसके बाप का तो राज नहीं है, जाएगा और खरीद लेगा, बिट लगी है, बिट में बैठा है, ऑक्शन में सबसे ज्यादा ऑक्शन किया है तो उसे मिला है। पता होगा ना आपको तो बिट के बारे में। अच्छा, क्यों राहुल गांधी आपको प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं दिखाई दे रहे? क्यों उनमें वो काबिलियत आपको नहीं लग रही? इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, कुछ नहीं हुआ, घोटाला हुआ, खाया, ये चाटा, हाथ पहुँचे, स्विस बैंक के अकाउंट का बैलेंस बढ़ाया, और कुछ नहीं करा इन्होंने। मोदी किसके लिए बचाएगा? उसका ना कोई बीबी ना कोई बच्चा, किसके लिए जोड़ेगा? वो देश के लिए कर रहा है, तभी आज हमारा देश तरक्की कर रहा है। वो कह रहे देश तो गड्ढे में चला गया पिछले 8-9 साल। को देखो गड्ढे में तो बेचारा वो है, उसको देख के मेरे को रोज हंसी आती है। खाने के पैसे नहीं है उनपे, वहाँ वालों को देखो फिर यहाँ वालों को देखो, जमीन आसमान का फर्क पता लग जाएगा। जो हमारे उतरे हुए कपड़े होते वो बेचारे वो पहनते हैं वहाँ की मार्केट में, और यहाँ कम से कम नए सिलवा के तो पहन रहे हो, ऊपर वाले का शुक्र मनाओ। अंदर क्या नाम है? मुकेश सिंह। मुकेश सिंह जी, क्या लग रहा है 24 का चुनाव आया है, लगातार जो है राजनीति तेज हो रही है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो भी खत्म हो गई, लगातार महंगाई बेरोजगारी मुद्दा बना हुआ है। भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा थी। मोदी का विकल्प कोई भी नहीं है ना। क्यों है? जो उसने काम किया है, जितना डेवलपमेंट किया है किसी ने नहीं किया ना, जो हमको दिखाई दे रहा है वो
राहुल गांधी को तो दिखाई नहीं देता, वो तो कहते हैं 9 साल में देश तो गड्ढे में चला गया, महंगाई देख लो कहाँ पहुँच गई, सिलेंडर देख लो, पेट्रोल देख लो। महंगाई तो उनके टाइम में भी बहुत बढ़ गई थी। मनमोहन सिंह बोलते थे पैसे पेड़ पे थोड़ा ना उगते हैं, ये उनका जब महंगाई बढ़ी थी पेट्रोल, तब उन्होंने उनका उनका स्टेटमेंट था मनमोहन सिंह का कि पैसे पेड़ पे थोड़ा ना उगते हैं। बदलाव क्या देख रहे हैं 9 सालों में आप? बदलाव मतलब पहले जो अब ये भी तो बदलाव देखो, आप बोल रहे महंगाई बढ़ गई है, जो पहले जो 5,000-10,000 पाता था वो 25,000-30,000 सैलरी पा रहा है, ये भी तो देखो चेंज। तो इस बार मुद्दे क्या रहेंगे, जो आम जनता के मुद्दे है वो क्या होने चाहिए? हैं मुद्दे क्या होने चाहिए आम जनता के? आम जनता के मुद्दे यही होने चाहिए, सबसे पहले तो जो जो भी सरकारी नौकरी वगैरह है जो योग्य है उनको मिलना चाहिए ना, ये रिजर्वेशन वगैरह सब खत्म हो जाना चाहिए। अंकल आपको क्या लगता है क्या मुद्दा होना चाहिए? मुद्दा यही होना चाहिए नौकरियां मिले लोगों को, योग्यता के बेस पे सुरक्षा मिले, और क्या चाहिए। तो मानते हैं कि 9 साल में बेरोजगारी बढ़ी है जैसे राहुल गांधी कहते हैं? बेरोजगारी तो ऐसा ही चलता रहता है, चलता रहेगा, कोई भी सरकार हो महंगाई बढ़ेगी बढ़ना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। आबादी बढ़ रही है तो महंगाई भी बढ़ेगी, कोई नहीं रोक सकता महंगाई नहीं। राहुल गांधी कहते हैं हम रोकेंगे आएंगे, तो ये गलत बात है।